नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट था फसल उत्पादन एवं प्रबंध किस प्रकार से होता है, कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट किस तरह से होता है, किस तरह से फसल की जाती है, क्या क्या उसमें स्टेप्स होते हैं, उन सबके बारे में हमने जानता। और हमने स्टूडेंट्स ये याद रख किया था कि खेती करने के लिए फसल उगाने के लिए पहले मिट्टी तैयार करते हैं, फिर उसमें अपन जो बुआई करते हैं, उर्वरक देते हैं, सिंचाई करते हैं, ये हम यहाँ तक के बिंदु हमने पढ़े थे। तो एक बार उर्वरक जो उर्वरक है, खाद है, उसका जो पॉइंट है उसके ऊपर वापस से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। हमने कल जलवायु पढ़ा था, तो खाद पर एक इसकी टेबल सारणी में आपको पिक खींच कर फोटो लेकर आपको इस वीडियो के साथ अटैच करूँगा। उस सारणी को अपनी फेक कॉपी में बनाना है और उनके दोनों के अंतर आपको याद करना है। जो भी आपको मैं पिक खींच कर इस वीडियो के साथ अटैच करता हूँ, वो एक ऐसे होमवर्क दूंगा, तो वो होमवर्क आपको 101% फेक कॉपी में करना है। आप देखिए स्टूडेंट्स, खाद मिट्टी के लिए बहुत जरूरी है और फसल के लिए बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर खाद दो तरह की, एक तो अपनी जो प्राकृतिक खाद होती है, गोबर की खाद है, जैविक खाद है, ये खाद है वो ज़्यादा लाभदायक होती है, ज़्यादा फसल को लाभ पहुँचाती है, ज़्यादा उत्पादन देती है और मिट्टी को उपजाऊ ज़्यादा बनाती है। कारण क्या है कि ये जब गोबर की खाद या जैविक खाद हम जब मिट्टी में डालते हैं तो यह मिट्टी के अंदर मिलती है, तो इसके जो पूरी मिट्टी को ये सरंध्र बना देती है, मिट्टी के अंदर रंध्र हो जाते हैं, इन रंध्रों से ऑक्सीजन उन पौधों की जड़ों तक पहुंच जाती है। प्लस वो मतलब मिट्टी को एक रंध्रयुक्त बनाने से मिट्टी में पानी, पौधों की जड़ों तक पानी आसानी से अच्छी तरह से पहुंच जाता है। और तीसरा, इसके अंदर जो अपने जो केंचुए वगैरह हैं, जो किसान के दोस्त कहलाते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, ऐसे भी जैविक खाद में तो अपनी जो गोबर खाद है उसमें काफ़ी पाए जाते हैं, जो मिट्टी में रहकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इसके साथ आजकल हम कृत्रिम खाद का उपयोग करते हैं, उर्वरक वगैरह इनका यूज करते हैं, इनका यूज भी बहुत प्रचलन में आ गया है। गोबर की खाद एक सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है, ये फैक्ट्रियों में बनती है और बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, आसानी से मिल जाती है, आसानी से इनका छिड़काव करना आसान है, इनको दूसरे स्थान से ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन इनका बहुत आसान है, ईजी है, इसलिए लोग इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट जो अपन उत्पादन करते हैं फसल में, उत्पाद जो भी होता है, फल है, सब्जियां, अनाज जो भी उगता है, जो भी उत्पादित होता है, उसको हम जब खाते हैं तो जिनमें उर्वरक खाद ज़्यादा दी हुई होती है, वो सारी वस्तुएं, वो सारी खाद्य सामग्री खाने के लिए अच्छी नहीं होती, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और जिन खाद्य सामग्रियों में गोबर की खाद या जैविक खाद दी जाती है, वो खाद्य सामग्री स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है और उनको ज़्यादा प्रिफर करना चाहिए। पर प्रचलन इतना है, उत्पादन ज़्यादा चाहिए और किसान की डिमांड भी कि उत्पादन ज़्यादा हो, इसके लिए आजकल जो कृत्रिम खाद है, उर्वरक है, पोटास है, इनको ज़्यादा यूज करते हैं और ये ज़्यादा प्रचलन में है। तो हमारे पास जो भी खाद है, जितनी प्रकार की खाद है उनकी हम बात करें, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास आप किताब तो मैं पेज में देखा करो और साथ साथ पढ़ा करो, सिक्स में पेज की बात कर रहा हूँ मैं, कि फैक्ट्री में बनने वाली खाद है जिसे हम उर्वरक कहते हैं, जिसे उर्वरक है, यूरिया है, उर्वरक क्या आती है, यूरिया है, अमोनिया है, और अमोनिया सल्फेट है, सुपरफास्फेट है, पोटास है, और एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों का मिश्रण आता है, एनपीके नाम से बोलते हैं। ये सब कृत्रिम खाद है और इन खाद से फसल में उत्पादन अच्छा होता है, पर धीरे धीरे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर जाकर मिट्टी को सरंध्र नहीं बनाते, तो पौधों की जड़ों तक अच्छी तरह से एयर नहीं पहुंचती, पानी नहीं पहुंचता, और जो केंचुए वगैरह हैं वो इस खाद में नहीं होते, इसे पनपते नहीं, इसे मर जाते हैं, तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता वैसे भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो हमने देखा कि खाद की सहायता से एक किसान अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सकता है और एक अच्छी फसल ले सकता है, अच्छा उत्पादन कर सकता है, अच्छी इनकम हो सकती है उसको, और एक अच्छा उसके लिए इनकम का स्रोत बन सकता है इन खाद के उपयोग से। पर इसके साथ साथ जहाँ खाद उपलब्ध नहीं होती, हम फसल चक्र अपनाकर भी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। फसल चक्र जो मैंने अभी बताऊँ, जो खाद, जो कृत्रिम खाद के नाम बताए, सारे नाम की व्यक्ति ले लूँगा, वो आपको याद होने चाहिए और अपनी फिर को नोटबुक में इसको लिखेंगे। आगे देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फसल चक्र, जैसे मान लो हमने एक खेत के एक भाग में
इस बार जो अपनी फसल हो रही है, इसे बारिश मौसम फसल बो रहे हैं, इसमें जो गंवार बोया है जिस जगह, वहां पर नेक्स्ट टाइम सर्दी की फसल आती है तो वहां पर अपने गेहूँ बोना चाहिए। फिर वापस जहाँ गेहूँ बोया था वहां पर मान लो दूसरी बार गंवार बोए या चना बोए, या इस तरह से फसल को बदल बदल कर फसल चक्र अपना कर भी उस मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। यदि हम एक ही जगह एक ही खेत के भाग में एक ही तरह की फसल बार बार बोते हैं तो भी उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है, और यदि हम वहां पर फसल चक्र अपनाएं, इस बार ये बोया तो दूसरी आपकी बार चना बोया तो फिर गेहूं बोएंगे, फिर सरसों बोएंगे वहां पर, और फिर गंवार बोएंगे, फिर बाजरा बोएंगे। इस तरह फसल चक्र यदि चलाकर हम अपना कर यदि हम खेती करते हैं तो भी उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। गंवार, गंवार की जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो जीवाणु वहां पर नाइट्रोजन गैस को उत्सर्जित करता है, नाइट्रोजन वहाँ बनाता है, नाइट्रोजन उत्पाद बनाता है, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी उपजाऊ बनती है। याद रखें इस बात को, गवार चने जितने भी दानेदार जो भी अपने पास में अनाज होते हैं उनकी जड़ों में ये पाए जाते हैं, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। तो गवार या चने जहाँ बोए जाते हैं वहाँ उस भाग में, उस मिट्टी में, उस खेत के उस भाग में उपजाऊपन ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनकी जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है, इसे राइजोबियम नाम का जीवाणु कहते हैं, जो नाइट्रोजन उत्पाद बनाता है, और नाइट्रोजन उत्पाद पृथ्वी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, पृथ्वी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो इस तरह हम फसल चक्र अपना कर भी बिना खाद की मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। ये खाद की बात हुई थी, उसके बाद हमारी बात चलती थी कि जैविक खाद के क्या क्या उपयोग करने के फायदे हैं। जैविक खाद से मैंने बताया कि मिट्टी सरंध्र होती है, तो इसलिए वहाँ पर पौधे जड़ तक अच्छी तरह से गैस ऑक्सीजन पहुँच पाती है, तो पौधे अच्छी तरह से श्वसन क्रिया कर पाते हैं और अच्छी अपने को उत्पाद दे सकते हैं। हमारा चैप्टर का आगे पॉइंट लिखता हूँ मैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा, चैप्टर हमारा था फसल उत्पाद एवं प्रबंध। और हमारा आज टॉपिक जो चल रहा है वो है जैविक खाद के उपयोग से होने वाले लाभ कौन कौन से। तो स्टूडेंट फर्स्ट जो है वो है कि यह मिट्टी को सरंध्र बनाती है, जिससे वायु ऑब्लिक ऑक्सीजन जड़ों तक, फसल की जड़ों तक पहुंच जाती है और पौधा फसल अच्छी तरह से श्वसन क्रिया कर पाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट की बात करें हम, तो नेक्स्ट का जो गुण है उसे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो कभी कम नहीं होती है। दूसरा, इसके उपयोग से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, यानी पानी को काफी दिनों तक रोक के रखने की, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। मिट्टी जब भुरभुरी होती है तो पानी अंदर उसमें जाता है, और यदि मिट्टी ऊपर से कड़क है, ठोस है, उसके कपड़े जम रखे तो ऊपर उसको पानी रहता है, नीचे की मिट्टी
अच्छी तरह से गीली नहीं होती, तो ज़्यादा दिनों तक उस फसल के या उन पौधों को पानी की नमी और पानी नहीं मिल पाता है। तो मिट्टी की जल धारण क्षमता इससे बढ़ती है। और तीसरा हम ये कहें कि मिट्टी के जो मित्र जीवाणु जितने भी होते हैं मिट्टी के मित्र जीवाणु इसमें पाए जाते हैं। जो लगातार मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं। और चौथा है डी, यह क्या करते हैं कि मिट्टी का जो गठन है, मिट्टी में जो उपस्थित कंपोनेंट्स हैं उनको बनाए रखते हैं। मिट्टी का गठन इससे सुधरता है, इससे जैविक खाद के उपयोग से। स्ट्रेंथ्स, ये जैविक खाद उपयोग करने के हमारे चार जो लाभ हैं वो मैंने आपको बताएं। साथ ही में एक कुछ पिक्स भेजूंगा, वो पिक्स कल से देखें उनको, एज ए उनमें जो क्वेश्चन बनते हैं, सारणी है, टेबल है, या खाद के नाम है, सिंचाई पद्धति के नाम है, जो भी जिस तरह के नाम हैं वो उन सबको आप अपनी खैर नोटिंग बनाएं, उनको देखें, समझें, हल करें, याद करें और होमवर्क टाइम पे जरूर करें। आगे देखिए, इसके बाद में आगे बढ़ रहा हूँ कि ये हमारे होगी खाद के भी मैंने आपको कुछ नाम बताए थे, आपको याद हो गए होंगे, मैं आपको भेजूंगा तो आप देख लेना उसमें से। और इसके बाद में चलता हूँ सिंचाई। तो देखो, जैसे हमें जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, वैसे पौधे और फसल को जीवित रहने के लिए भी पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। और फसल को पानी देने के अनेक तरीके हैं। तो सबसे पहले वर्ड आता है सिंचाई, यानी क्रमित रूप से बार बार क्रमित रूप से फसल में पानी देना सिंचाई कहलाता है। फर्स्ट नाम है सिंचाई से, क्रमित रूप से फसल फसल में पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। फिर इसके बाद देखिए, इस सिंचाई के साधन हमारे पास बहुत सारे हैं। सिंचाई के साधन में कुआ है, तालाब है, नदी है, नदियां इतनी बहुत सारी होती हैं, नदियां हैं और नहर है, बावड़ी है, और साथ में वर्षा जल, सीधा वर्षा होती है उससे भी सिंचाई होती है। अब इसके बाद जो परंपरागत जितने भी परंपरागत जो साधन है वो कौन कौन से हैं, वहां पर क्या है कि परंपरागत साधन से कम क्षेत्र में खेती की जा सकती है, वो आसान कम है। कि जैसे क्या होता है कि कुएं से पानी निकालकर हाथों से क्यारी से उसको सींचना, सिंचाई करना, वो जो परंपरागत साधन है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास में कि सबसे पहले मोर, घिरनी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घिरनी। घिरनी देखा होगा आपने कि कुएं पर एक गोल टायर जैसा लगा होता है, इसके ऊपर से
रस्सी चलती है और नीचे कुछ पात्र लगा तो उसमें पानी भर के बाहर निकाला जाता है, गिरने या मोड़ बोलते से दूसरा है चेन पंप। चेन पंप इसमें क्या होता है, मैं आपको क्विक भेजूंगा इसकी ये किस तरह से किसको क्या नाम देते हैं और उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पानी निकालते हैं। और तीसरा जो नाम है वो है हमारे पास में कि ढेकी, नाम हमारे पास में ढेकी। और चौथा जो नाम है वो है हमारे पास में रहट। ये उत्तोलन सिद्धांत पर काम करता है, कौन रहट है वो उत्तोलन सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने किसान फसल उगाने की काफ़ी स्टेप्स को पढ़ा है, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, अच्छा लगा होगा। इन्हें पढ़ें, तैयार करें और जो मैं पिक भेजता हूँ आपको आज भेजूँगा उन पिक्स को सबको, उनके समझना है उनमें से जो भी आपके उपयोग की जो है वो सब सारणी बनाना है, उनके जो उर्वरक के नाम है, सिंचाई साधन के नाम है या जैविक खाद और उर्वरक में अंतर क्या है, खाद और उर्वरक में अंतर क्या है, ये सब सारणी वगैरह भेजूंगा उनको अच्छी तरह से।